रबाब का अभी तक इसके साउंड के सामने अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, इसको रबाब को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसकी जगह नहीं ले सकता। जी मुझे रबाब बजाते हुए तकरीबन 6 साल हो गए, 6-7 साल। मैं इंस्पायर्ड हुआ अपने दादाजी से, और वो इतना अच्छा प्ले करते थे रबाब कि कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लोग भी उनको पसंद करते थे। पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रबाब कश्मीर में आया, ये थ्रो काबुल आया, अफगानिस्तान आया। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, मेरे दादाजी या उनके ब्रदर गुलाम अहमद भट्ट साहब, वो जाते थे काबुल, वहाँ पे क्योंकि उनको दावत दी जाती थी वहाँ के बादशाहों के ज़रिए। मुझे सिर्फ दिमाग में था कि मेरे दादाजी जो है वो इंडोनेशिया के नंबर वन रबाबिस्ट है, तो उसको लेकर मेरे दिमाग में ये बात हुई कि नहीं, मुझे उनका नाम रोशन करना है। तो मेरी इंस्पायरेशन मेरे दादाजी से हुई। मैंने जो रबाब सीखा है वो मैंने अपने घराने से सीखा है, मेरे कज़न से जिसका नाम अब्दुल हमीद भट्ट है, इंटरनेशनल रबाब प्लेयर है। जब भी मैं प्ले करता हूँ रबाब तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें, तो मैं कभी कभार गुम भी जाता हूँ इसमें बजाते बजाते। कश्मीर में तो इसका प्लेटफार्म ही नहीं है कि एक बंदा रबाब पे घर पाल सकता है।